आज हरित आरम प्रोग्राम के जरिए आज इंडिया में सबसे ज़्यादा अगर पौधे लगाए जा रहे हैं तो तेलंगाना स्टेट है। इसीलिए तेलंगाना स्टेट में मुसलसिल बारिश हो रही है, जहाँ पर फारिश ज़्यादा होता है वहाँ बारिश ज़्यादा होती है। आज जो भी लोग तेलंगाना स्टेट बॉर्डर में दाखिल होते हैं वहीं से पता चल जाता है उनको कि ये तेलंगाना स्टेट शुरू हुई है, क्योंकि तेलंगाना स्टेट के अंदर हर जगह हरा भरा नज़र आता है। हमारे ऑनरेबल सीएम साहब का शुक्रिया अदा करते हैं और ख़ासतौर से जो हमारे एमपी है संतोष साहब जो इसका बेड़ा उठाए हुए हरित आरम का रात दिन मेहनत करते हुए हर जगह दरख्त लगा रहे हैं और बड़े बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। और आज क्योंकि हरित आरम डे मनाया जा रहा है, जिस तरह हम संभ्रालू एक एक दिन मनाते आ रहे हैं, तेलंगाना बनने के 9 साल के अंदर हमने जो जो काम किया वो पब्लिक को बता रहे हैं, अवेयरनेस ला रहे हैं, तो उसी तरह 9 साल के अंदर सीएम साहब ने इस तेलंगाना को गोल्डन तेलंगाना बनाया और उसी तरह हरा था हरा भरा तेलंगाना बना है। उसके लिए मैं खासतौर से हमारे भद्र भाई का जो हमेशा हर प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, हमारे आरिफ भाई साहब का और तमाम हमारे साथियों का शुक्रिया अदा करते हैं जो हर पार्टी का हर प्रोग्राम को आगे बढ़कर काम करते हैं और उसको सक्सेस करते हैं। यकीनन हरा भरा होने से हमें हर चीज़ ऑक्सीजन फ्री मिलती है, इंसान की सेहत अच्छी होना है और पोल्यूशन कम होना है तो कुदरत का निज़ाम है। अगर वो हरा भरा शहर हो जाए, हरा भरा घर हो जाए, जहाँ पर हमेशा जगह जगह झाड़ नज़र आएंगे तो वहाँ पर सेहत भी अच्छी रहेगी लोगों की और कुदरती तरीके से ऑक्सीजन मिलेगा। उसके लिए हमारे आनेबल सीएम साहब का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने तेलंगाना बनने के बाद इस तेलंगाना को हरा भरा तेलंगाना बनाया, करोड़ों की तादाद झाड़ लगाए जा रहे हैं जिसका कोई अंदाज़ा नहीं कर सकते। और तमाम हमारे साथी जो साथ हैं उन तमाम का शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू।